हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टेपअप आईएएस एडिटोरियल और न्यूज़ डिस्कशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक्सप्लेन्ड के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, साथ में जो एडिटोरियल पेज पर आर्टिकल है और इसके अलावा इम्पॉर्टेंट न्यूज़, पूरा न्यूज़पेपर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको देखने वाले हैं। क्वेश्चंस आज वीडियो में ही इंक्लूड कर दिया गया है, तो आप लोग ज़रूर उसको क्वेश्चंस को लेके और आंसर राइटिंग ज़रूर करें। कल के क्वेश्चंस को कमेंट बॉक्स में डाल दिया गया है, तो उसको आप जाके देख लें जिन लोगों को कल का क्वेश्चंस नहीं मिला हो। 3 जनवरी है आज। आइए शुरुआत करते हैं हमारे पहले न्यूज़ से। आप लोग कहते हैं पेज नंबर बताने के लिए, तो आज मैंने कोशिश की है कि कुछ पेज नंबर मैं आपको यहाँ बता दूँ। तो आज हम जो पहला न्यूज़ देख रहे हैं वो पेज नंबर 7 से है, इसके बाद पेज नंबर 1 का भी न्यूज़ आएगा। पेज नंबर 7 पर एक न्यूज़ आपने देखा है, केरला में एक ऑर्डिनेंस लाया गया है। किस चीज़ के लिए? टू इंश्योर राइट टू बरियल फॉर क्रिश्चियंस। अब ये न्यूज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है? ये न्यूज़ एक एग्ज़ाम्पल बन सकता है आपके लिए, जब आप इंडिया के सेक्युलर नेचर को, जो स्टेट का सेक्युलर नेचर है, जब उसको आप बताने की कोशिश करेंगे, तब आपको ये एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर काम आ सकता है। तो मामला कुछ इस तरीके से है कि क्रिश्चियंस के बीच में जो दो डिविजन है, एक तो ऑर्थोडॉक्स फैक्शन है, दूसरा जैकोबिट है, तो उनमें कुछ डिस्प्यूट बहुत दिनों से चल रहा था केरला में खास करके, और वहाँ पर अभी सिचुएशन ये हो गई कि दोनों ग्रुप्स में काफ़ी ज़्यादा टेंशन क्रिएट हो गया, और जो डेड बॉडी को बरी किए जाते हैं उसके लिए काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा जो दूसरे ग्रुप के लोग थे। तो इसमें ये जो समस्या है ये पहले से है, और इसके पहले लोग सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुँचे थे। 2017 का जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वहाँ पर पिटीशन डाला गया था, वो ऑर्थोडॉक्स चर्च के द्वारा डाला गया था। दो चर्च है, एक ऑर्थोडॉक्स चर्च है, दूसरा मलंकारा चर्च है, ठीक है। तो कुछ राइट्स इनके पास आते हैं, कुछ राइट इनके पास आते हैं। इसमें बीच में जो डिस्प्यूटेड एरिया था उसके राइट्स को ऑर्थोडॉक्स चर्च को दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जो डिस्प्यूटेड एरिया था जो इसके अंतर्गत आता था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्थोडॉक्स चर्च को दे दिया, और उसके बाद से परेशानी थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में, और एट लास्ट स्टेट को सामने आना पड़ा, और ये ऑर्डिनेंस इसीलिए वो लेकर के आए हैं केरला में। ये एक एग्जांपल के तौर पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। प्रीलिम्स में तो शायद ही क्वेश्चन बने, लेकिन आपको इसको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज़ पेज नंबर 1 का है। क्या है? महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ है। महाराष्ट्र प्लान्स टफ सिक्योरिटी लॉ टू डील विद नक्सल्स। नक्सल्स से डील करने के लिए महाराष्ट्र एक टफ कड़ा प्रावधान लेके आना चाहता है सिक्योरिटी लॉ से रिलेटेड। इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। देखिए, महाराष्ट्र में ये जो प्लान किया जा रहा है सिक्योरिटी लॉ को टफ बनाने का, वो छत्तीसगढ़ स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट CSPSA 2005 को देख करके किया जा रहा है। इन्हीं के तर्ज पर, ऑन द लाइन ऑफ दिस रूल, महाराष्ट्र अपने यहाँ पर एक ऐसा लॉ लाना चाहता है। अब ये लॉ क्या बोलता है जो छत्तीसगढ़ का है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं आपसे, या मेंस में आप इसको यूज़ कर सकते हैं एज ए डाटा फैक्ट। सो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जितने भी हैं, इंक्लूडिंग पोजिंग अ डेंजर टू द पीस इन सोसाइटी, पोजिंग और टेंडिंग और पोज ऑब्स्टिकल्स इन द मेंटेनिंग पीस एंड सिक्योरिटी, अगर आप पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन नहीं करने देते हैं या फिर सोसाइटी के पीसफुल नेचर को ख़राब करते हैं, तो फिर उसको इसी एक्ट के तहत ट्रायल किया जाएगा, विच इज़ छत्तीसगढ़ स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट 2005, और इसी के बेसिस पर महाराष्ट्र अपने यहाँ पर लॉ प्लान करने वाला है। तो इस पर न्यूज़ और भी आएंगे, लेकिन कंसर्न क्या है? पॉजिटिव तो समझ में आ गया कि सिक्योरिटी को इम्पोज करने के लिए रहेगा, लेकिन इसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो ये है कि जो ट्राइबल पीपल हैं, किसको टारगेट किया जा रहा है? नक्सल्स को डील करने के लिए। अब नक्सल्स में कई बार ये देखा जाता है जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं वो आसानी से उनको इस भीड़ में शामिल कर लिया जाता है, इस एक्शन में शामिल कर लिया जाता है जो नक्सल्स का होता है। तो ऐसे में जो ट्राइबल लोग हैं वो काफ़ी फियरफुल हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट्स स्टेट लेकर के आ रही है इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है, और इसके बेसिस पर जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं उनको हरास किया जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर सरकार को सोच समझ करके कानून बनाने की ज़रूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस कानून का गलत इस्तेमाल हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए न्यूज़, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 11 पर न्यूज़ है ये।
नॉर्थ ईस्ट मानसून एंड हो गया और सरप्लस रेन हुआ है 30% का, तो बड़ी अच्छी बात है। आईएमडी ने क्लियर कर दिया है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये क्लियर किया कि नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है वो 30% प्लस सरप्लस में रेनफॉल करके गया है, और इससे जो रेन्स हुए हैं उसका लोकेशन और एरिया ज़रूर याद रखिएगा। देखिए इसे मेनली तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, कुछ हिस्से तेलंगाना और कर्नाटका के जहाँ पर बारिश हुई हैं। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड का रीज़न जिससे कि नॉर्थ ईस्ट की वजह से बारिश होती है। इसके बारे में पिटी के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर दो तरीके के मानसून के बारे में आपको पता होना चाहिए, एक तो नॉर्थ ईस्ट मानसून जिसको कि विंटर मानसून भी कहा जाता है, ठीक है। विंटर मानसून किसको कहा जाता है? नॉर्थ ईस्ट मानसून को। एक पिटी का फैक्ट आपको याद रखना है, इसमें जो ये मानसून है दैट ब्लोज फ्रॉम लैंड टू सी, तो ये जमीन से ओशन सी की तरफ मूव करता है, ये जो मानसून होता है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं साउथ वेस्ट मानसून की, साउथ वेस्ट मानसून में क्या होता है, इसमें मानसून ब्लो होता है या हवा ब्लो होती है सी से लैंड की तरफ, तो जब सी से लैंड की तरफ जाएगी तो ज़्यादा बारिश लेकर के जाएगी, ज़्यादा मॉइस्चर्स को लेकर के जाएगी, ज़्यादा बारिश होगी, तो साउथ वेस्ट मानसून को समर मानसून भी कहा जाता है, जो कि अरबियन सी, बंगाल वाले रीजन से एसोसिएटेड होते हैं। आपको इमेज देख लेना है ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ये है इमेज, ये है नॉर्थ ईस्ट मानसून जो आप देख रहे हैं लैंड से सी की तरफ, ओशन की तरफ आता हुआ, और साउथ वेस्ट मानसून ओशन से लैंड की तरफ, सी की तरफ, लैंड की तरफ जाता हुआ। तो ये दोनों का जो डिफरेंस है याद रखना है, ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। अब आगे हम आर्टिकल की शुरुआत करने वाले हैं, बट आपको आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चंस यहीं पर दे दिए गए हैं। देखिए चार क्वेश्चंस हैं जिसको आपको ट्राई करना है, इसमें वर्ड लिमिट भी दे दिया गया है, लोग वर्ड लिमिट की डिमांड करते हैं। 250 शब्दों में आपको पहला क्वेश्चन ट्राई करना है। रेलवे में जो बदलाव हो रहा है डिपार्टमेंट वगैरह में, उसमें एक्सप्लेन में न्यूज़ है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक छोटा सा न्यूज़ और है न्यूज़पेपर में ही, उसको आप देख लेंगे और उसके बाद इस पूरे आंसर को आप ट्राई करेंगे। दूसरा है NSCN से जुड़ा हुआ जो कि एडिटोरियल पेज पर आया हुआ है, नाका पॉपुलेशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ये। तीसरा NRC से है, NRC से अभी तक आपने कई सारे आर्टिकल्स को पढ़ लिए हैं, आज भी कई आर्टिकल हैं उसको देख करके फिर आंसर ट्राई करना है। और चौथा क्वेश्चन है डाटा प्रोटेक्शन बिल के ऊपर जिसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए आज का पहला जो आर्टिकल है वो देखते हैं। पहला आर्टिकल है द रेवेन्यू गैप, बहुत ही अच्छे अच्छे कंसर्न को यहाँ पर रेज किया गया है। रेवेन्यू गैप का क्या मतलब है? देखिए बजट आने वाला है अगले मंथ में और उसके लिए तैयारी अभी से शुरू हो गई है। अलग अलग आर्टिकल के माध्यम से सरकार को आइडियाज़ देने की कोशिश किए जा रहे हैं, सरकार को उनके जो कमियाँ रही हैं पिछले बजट में और पिछले साल में उसको ठीक करने को कहा जा रहा है। कहाँ गैप रहा जब हम बात करते हैं इसके अगर बैकग्राउंड पर आप चलें, तो जो गवर्नमेंट का एक्सपेक्टेशन था वो किसी भी हद से पूरा नहीं हुआ। जब हम बात करते हैं ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू के सेंटर की, तो वो कितना आ पाया? सिर्फ 0.81% तक कलेक्ट हो पाया पहले 8 महीने में, अप्रैल से लेकर के नवंबर तक में। ऑब्वियसली इकोनॉमिक स्लोडाउन है, लेकिन जो टारगेट रखा गया था वो कितना था? इट वॉज बजटेड कि 18.3% तक रेवेन्यू सरकार के पास आ जाएगा। रेवेन्यू का मतलब समझ में आ रहा है, जो पैसे सरकार के पास आ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीट, पैसे जो आ रहे हैं। उसके बाद जब पैसे सरकार के पास आ जाएंगे तब फिर वो उसको खर्च करेगी, एक्सपेंडिचर उसका हो जाएगा। नाउ ऐसा कुछ हुआ नहीं, जो एक्सपेक्टेशन था वो पूरा नहीं हुआ, और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ा? ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो कम हो गई। क्यों? क्योंकि फिस्कल डेफिसिट टारगेट को भी मीट करना है। कितना रखा गया है? रखा गया था कि 3.3% ही इस डेफिसिट टारगेट को मेंटेन किया जाएगा, लेकिन ऐसा सरकार कर नहीं पाई है और एक्सपेक्टेड ये है कि मार्च 2020 तक ये 3.7 या 3.9 हो जाएगा फिस्कल डेफिसिट। तो सरकार क्या करेगी? खर्चा कम करेगी, इधर उधर से बोरो लेकर के खर्चा नहीं करेगी, रेवेन्यू जितना रहेगा उतना ही खर्च करेगी, और इसमें स्पेंडिंग कट जैसे ही हम करेंगे वैसे ही इसका जो इम्प्लीकेशन है वो कहाँ देखने को मिलेगा? इकोनॉमिक स्लोडाउन पर देखने को मिलेगा, विच इज़ हार्मफुल फॉर द इकोनॉमी। जब आप एक्सपेंडिचर को कम करेंगे, गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कट करेंगे, तो उससे इकोनॉमी फ्लो कैसे होगा? एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, इसमें हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने हर अलग अलग सेक्टर में क्या एक्सपेक्ट किया था।
डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में क्या एक्सपेक्टेशन था, क्या रियलिटी रहा, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन का क्या हिसाब किताब रहा और डिस इन्वेस्टमेंट में सरकार ने क्या सोचा था। जब हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या सोचा गया था डायरेक्ट टैक्स में, आपको पता होगा कि कॉरपोरेट टैक्स को कट कर दिया गया सरकार की तरफ से, तो टारगेट रखा गया था कि 15.4% तक हम अचीव कर लेंगे और टैक्स कलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मात्र 0.91%। कैन यू इमेजिन, मतलब कि 1% भी जो एक्सपेक्टेशन था उसका पैसा रिकवर नहीं हो पाया। हालांकि पर्सनल इनकम टैक्स ने काफ़ी अच्छा दिया, पैसे वहाँ से काफ़ी अच्छे आए पर्सनल इनकम टैक्स से, लेकिन जब हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स में कॉरपोरेट टैक्स की, तो वहाँ से बहुत पैसे सरकार को नहीं आए। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं, जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया और सभी को पता है कि इस इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो एक्सपेक्टेशन था उस पर जीएसटी कलेक्शन अभी तक खरा नहीं उतर पाया है। सोचा क्या गया था, 5.26 लाख करोड़ रुपीज़ तक आ जाएगा, लेकिन आया कितना, 3.72 लाख करोड़, यानी कि यहाँ पर भी अप्रॉक्सीमेट 2 लाख करोड़ रुपीज़ का नुकसान। जब हम बात करते हैं सीजीएसटी के कलेक्शन की, तो सेंट्रल जीएसटी, उसके बाद इंटीग्रेटेड जीएसटी, इन सब में भी एक्सपेक्टेशन रखा गया था कि 51,000 करोड़ के आसपास जो रिकवरी है वो हो जाएगी, पैसे आ जाएंगे, टारगेट ये रखा गया था, लेकिन आया कितना, जो कलेक्शन हो पाया वो मात्र 41,000 करोड़ रुपीज़ का हो पाया, तो इसमें भी नुकसान हुआ सरकार को। डिस इन्वेस्टमेंट में सरकार ने सोचा था कि 1.05 लाख करोड़ हम डिस इन्वेस्टमेंट से पैसा ले आएंगे। डिस इन्वेस्टमेंट में क्या था, जो सरकार के एसेट्स हैं, सरकारी एसेट्स हैं, पब्लिक एसेट हैं, स्टेडियम वगैरह, उसको या जो PSUs हैं उनको डिस इन्वेस्ट किया जाएगा, शेयर्स को लोगों को दिया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर को बेचा जाएगा या लीज पर दिया जाएगा, तो वहाँ से पैसे आ जाएंगे। और उम्मीद थी 1 लाख करोड़ की और मिला कितना, सिर्फ और सिर्फ 17,000 करोड़। तो मतलब एक बहुत बड़ा गैप आप इस पूरे सिनेरियो से क्या देख रहे हैं, गैप दैट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू गैप। ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सही अजम्पशन नहीं किया गया, कहीं ना कहीं अज्यूम करने में भूल हुई और सरकार के पास सही डाटा फैक्ट नहीं होने की वजह से टारगेट बहुत बड़े बड़े रखे गए और उसको अचीव, उसका 1% भी हम नहीं कर पाए। तो इसीलिए अब जो सरकार लेकर के आएगी बजट, उसमें यही एक्सपेक्टेशन है, ये उम्मीद है कि वो सबसे पहले तो अपना जो प्रोजेक्शन है रेवेन्यू का वो सही करेंगे और उसके हिसाब से वो फिर एक्यूरेट पिक्चर बनाएंगे और आगे का रोड मैप तैयार करेंगे। ये हालत सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की नहीं, स्टेट गवर्नमेंट की भी है कि उनको भी कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक स्लो डाउन है तो पैसे कहीं भी नहीं आ रहे, जीएसटी कलेक्शन नहीं हो रहा है तो सर स्टेट के पास भी पैसे नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो इसीलिए इस टाइम पर बहुत ज़रूरी है कि अभी सही डिसीजंस लिए जाएं, सही रोड मैप तैयार किया जाए और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है एक्यूरेट डाटा का होना। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा आर्टिकल है डाटा एंड इट्स डिसकंटेंट्स, तो हम इस पर बात कर रहे हैं पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल की, और इसमें बताया गया है कि ये जो बिल लाया जा रहा है वो कैसे हार्मफुल हो सकता है, ये इम्पैक्ट कर सकता है लोगों को, यही इस आर्टिकल में कहा जा रहा है। तो क्लॉज 91 जो है इस बिल का, जो डाटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया है, इसमें एक्सपेक्टेशन यही है कि इसमें फिर से रिव्यू किया जाएगा, जो भी प्रावधान ऐसे इसको बदलने की ज़रूरत है उसको बदला भी जाएगा। और इसके जो क्लॉज 91 है वो बताते हैं दैट सेंट्रल गवर्नमेंट टू डायरेक्ट एनी ऑफ द रेगुलेटेड एंटिटी, कोई भी रेगुलेटेड एंटिटी जो है वो किसी भी एनोनिमाइज्ड पर्सनल डाटा या नॉन पर्सनल डाटा को एक्सेस कर सकता है, सरकार को दे सकता है, ताकि जो डिलीवरी ऑफ सर्विसेज है वो सही तरीके से हो पाए और पॉलिसी मेकिंग अच्छे तरीके से हो पाए। लेकिन ऑन द सेम वे जब आप बात करते हैं एनोनिमाइज्ड डाटा की, तो ये क्या होता है, जब आपका जो डिटेल है वो हटा दिया जाए किसी भी सिस्टम से, आपको आपके सारे डाटा को ख़त्म कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए, दैट इज़ कॉल्ड द एनोनिमाइज्ड डाटाज। अब लेकिन उसका अगर फिर से उसको अप्रोच किया जा रहा है और फिर से उसको री आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, तो ये जो प्राइवेसी है ऑब्वियसली उसका एक हार्मफुल इम्पैक्ट है। यहाँ पर कहना यह है आर्टिकल का कि एनोनिमस तो कर दिया जाता है, लेकिन इसको कई सारे मशीनरीज या टेक्निक्स की वजह से री आइडेंटिफाई भी किया जा सकता है, जो कि हमारे पास एक इम्परफेक्ट सिस्टम को शो कर रहा है। कई ऐसे देश हैं, UK, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर इसके लिए बहुत कंसर्नफुल लॉ बनाए गए हैं।
यूके में जो पर्सनल लोकेशन इन्फॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में जो हेल्थ से जुड़ा हुआ डाटा है उसको हटाया गया लोगों के, इंडिविजुअल लोगों के, क्योंकि इससे क्या होता है जो कंपनीज़ हैं वो ऐसे रिकॉर्ड्स को ले लेती हैं और फिर उसके बाद लोगों को काफ़ी परेशान किया जाता है। तो ये सारे देश अपने अपने यहाँ पर ऐसे लॉज लेकर के आ रहे हैं। इंडिया में भी यही एक्सपेक्टेशन है कि पार्लियामेंट को फिर से एक बार इस पर ध्यान देना चाहिए और जो लोगों की प्राइवेसी है उसको कैसे मेंटेन किया जाए, बल्कि लोगों का जो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको कोई वल्नरेबल जोन में ना डाला जाए, तो उस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बिग डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज़ का सरकार इस्तेमाल करने वाली है गवर्नेंस में, जो इन नॉन पर्सनल या पर्सनल डाटाज़ का इस्तेमाल किया जाएगा उसके लिए टेक्नोलॉजीज़ वगैरह को शामिल किया जा रहा है। तो ये एक अच्छी बात है, इससे सरकार ट्रांसपेरेंसी लाना चाहती है, इकोनॉमिक सोशल प्लानिंग अच्छे से करना चाहती है, लेकिन ऑन द सेम वे जो लोगों के राइट्स हैं वो इससे हार्म हो रहे हैं और ख़ास करके जो प्राइवेट फर्म हैं उनका काफ़ी नुकसान हो रहा है। इसमें सरकार को इस चीज़ पर, ये जो एक्सप्लॉयटेशन है समहाउ जो कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन से हो सकता है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। लोगों के प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी है उसको इंश्योर किया जाए और फिर से एक बार इस पूरे सिस्टम को, जो डाटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया है उसको देखा जाए और उसके हिसाब से ये पूरा बिल तैयार किया जाए। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि गोपाल कृष्णन कमिटी इसके लिए बनाया गया था, दे मस्ट बी अलाउड टू डिलिबरेट एंड इन्फॉर्म द पब्लिक कंसेंसस ऑन द अप्रोप्रिएट मॉडल ऑफ द गवर्नेंस ऑफ द नॉन पर्सनल डाटा। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है गोपाल कृष्णन कमिटी किससे जुड़ा हुआ है, ये इसी डाटा प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेन पेज पर। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रेलवे का जो स्ट्रक्चर है उसको बदला जा रहा है, रीस्ट्रक्चर किया जा रहा है, इसमें क्या किया गया है उसको देखते हैं। तो अभी कॉन्टेक्स्ट पहले जान लीजिए कि हाल ही में कैबिनेट के द्वारा एक अप्रूवल मिला है कि रेलवे बोर्ड जो होते हैं, रेलवे बोर्ड को कम किया जाएगा। रेलवे बोर्ड में पहले 9 मेंबर होते थे, 9 मेंबर्स हुआ करते थे, उसमें अब सिर्फ 5 मेंबर्स होंगे। देयर विल बी ओनली 5 मेंबर इन द रेलवे बोर्ड। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस प्रीलिम्स में बन सकता है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज कि कैबिनेट इज ऑल्सो डिसाइडेड टू मर्ज ऑल द सेंट्रल सर्विसेज कैडर ऑफ रेलवे ऑफिशियल्स इनटू द सिंगल इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, यहीं पर सारा जो बवाल है वो हो रहा है। सरकार क्या प्लान कर रही है, IRMS बनाएगी वो, और उसमें जितने भी ऑफिशियल्स हैं, ऑफिसर्स हैं या छोटे छोटे कैडर्स हैं, छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स हैं, तो टोटल 8 डिपार्टमेंट्स हैं, 8 सर्विसेज हैं जिसको कि एक साथ इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज में जोड़ दिया जा रहा है। और इसी के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं आपके IRTS मेंबर। IRTS कैसे बनते हैं अभी हम आगे देखेंगे आर्टिकल में। तो 5 मेंबर बोर्ड में कौन कौन होने वाले हैं, चेयरमैन कम CEO, मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बाद फाइनेंस, रोलिंग स्टॉक, ट्रैक, ऑपरेशन, बिजनेस डेवलपमेंट। ये अलग अलग मेंबर्स इसमें रहेंगे और साथ में एक चेयरपर्सन रहेंगे। एक इंडिपेंडेंट मेंबर भी इस बोर्ड में शामिल होंगे जिनके पास कम से कम 30 साल का एक्सपीरियंस होगा, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव रोल उनका नहीं होगा। दे विल हैव नॉन एग्जीक्यूटिव रोल, वो सिर्फ बोर्ड की मीटिंग को अटेंड करेंगे। इसका क्या उद्देश्य है, क्यों इनको फिर लाया गया है, ताकि वो एक इंडिपेंडेंट मेंबर की तरह काम करेंगे, तो जो बायसनेस है उसको फ्री किया जा सके और इनके पास 30 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आगे के जो प्लानिंग है वो अच्छे से हो पाएगी। इसलिए बोर्ड मीटिंग को अटेंड करेंगे, सुझाव देंगे, एग्जीक्यूटिव रोल इनका नहीं रहेगा। व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिस्टम, प्रेजेंट सिस्टम कैसा है, तो जब आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें आपको टॉप सर्विस तो IAS का मिलता है, फिर IPS है, फिर IRS है, और यहीं पर एक टॉप पर फॉरेन सर्विसेज भी है, लेकिन उसके बाद IRTS का नंबर आता है। तो सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं उनको ही इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज में रखा जाता है, इनको आप IRTS बोलते हैं। इसके बाद इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज आते हैं, IRPS आते हैं, और इसके अलावा एक और एग्ज़ाम होता है इंजीनियरिंग सर्विसेज का, इसकी एग्ज़ाम के बाद भी लोगों को रेलवे में नौकरी मिलती है। तो ये है प्रेजेंट सिस्टम, अब इन सभी को मिला दिया जा रहा है, मर्ज कर दिया जा रहा है। और एक दो और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उसको हम देखेंगे। पहले तो
ये जो रिफॉर्म लाया गया है ये क्यों लाया गया है? कई सारी कमेटी बनाई गई थी, हमने डिस्कस किया था 2015 जून में विवेक देबराय कमेटी ने अपना रिपोर्ट भी सबमिट किया था और वो इसी पर रिफॉर्म के लिए था, रेलवे में रिफॉर्म के लिए था। और इन्होंने क्या कहा था, विवेक देबराय कमेटी ने ये कहा था कि जो डिपार्टमेंटलिज्म है ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इट इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन द सिस्टम। रेलवे में हमने डिस्कस किया था एक आर्टिकल में कि हर डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी हर अलग अलग अथॉरिटी के पास होती है और फिर वो अथॉरिटी दूसरे डिपार्टमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है, तो इससे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है एक दूसरे पर थोपा जाता है और फिर वहाँ पर जो नुकसान होता है उसकी कोई भरपाई नहीं होती है। तो डिपार्टमेंटलिज्म एक मेजर कंसर्न और प्रॉब्लम है जिसको कि हटाने की ज़रूरत है। इसके लिए उन्होंने ये भी कहा था कि जो सर्विसेज हैं उनको मर्ज कर दिए जाए, उन्होंने कहा था कि दो डिस्टिंक्ट सर्विसेज बना दिए जाएं, एक टेक्निकल और दूसरा लॉजिस्टिक, ठीक है। लेकिन उन्होंने एग्जैक्टली वे नहीं डिस्कस किया था कि कैसे हो सकता है, तो इसीलिए इन सारे रिकमेंडेशंस को देखते हुए ये बदलाव लाया गया है। और अभी एक्सपेक्टेशन ये है कि IRMS का अलग से एग्ज़ाम होगा, ये जो ऑफिसर्स होंगे 2021 से UPSC इनका अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी, तो अभी देखिए फाइनल क्या होता है। वाई आर द ऑफिसर्स अपोज टू द मूव? अब ऑफिसर्स जो है वो उसको क्यों अपोज कर रहे हैं? जाहिर तौर पर सीनियरिटी, जूनियरिटी, उसके बाद कम मेहनत, ज़्यादा मेहनत, आप इमेजिन कर सकते हैं जो लोग तैयारी में हैं UPSC वाले लोग कितनी मेहनत करते हैं बेचारे, मतलब इतने सालों से लगे हुए हैं, अब उनको जा करके नौकरी मिलती है 26 साल में, 27 साल में, उससे भी ज़्यादा हो जाता है कई बार, है ना, अटेम्प्ट तो आपको 32 तक दिया हुआ है। अब इसके बाद आप सर्विस को ज्वाइन करते हैं, ठीक है, लेकिन जो इंजीनियरिंग सर्विस वाले लोग हैं वो क्या होता है, जैसे ही उनका BTEC होता है उसके बाद तुरंत वो फॉर्म भरते हैं या फिर तैयारी में आते हैं और वो एक दो साल में नौकरी ले लेते हैं, अराउंड 22 से 23 ईयर्स तक में, जो जनरल सी बात है सर, ये हमेशा सही नहीं होता है बट जनरली इतने में मिल जाता है। तो अब इनके बीच में जो इंजीनियरिंग सर्विसेज के लोग हैं उनके बीच में और जो सिविल सर्विसेज के लोग हैं उनके बीच में एज डिफरेंस होगा पहले तो, दूसरा यहाँ पर सीनियरिटी जूनियरिटी का एक इम्पैक्ट आएगा। तो उनका मानना है, जो IRTS के लोग हैं उनका मानना है कि ये काफ़ी अनसाइंटिफिक सा मूव है जो गवर्नमेंट ले रही है और इससे डिपार्टमेंटलिज्म ख़त्म नहीं होगा। तो आगे वे फॉरवर्ड में यही कहा गया है, आप देखिएगा वहाँ पर जब आप पढ़ रहे होंगे एडिटोरियल को, तो वहाँ पर लास्ट में यही कहा गया है कि ये सारे चीज़ों से डिपार्टमेंटलिज्म जिसको हटाना हमारा उद्देश्य था वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो अभी खैर देखते हैं इसमें और क्या क्या अपग्रेडेशन होता है और क्या क्या इंपॉर्टेंट डिटेल्स हमारे सामने आते हैं, बट जो अभी फैक्ट्स हमने देखा वो आप याद रखिएगा कि 5 मेंबर होंगे बोर्ड में, कौन कौन से लोग होंगे, इंडिपेंडेंट मेंबर कौन होंगे, क्या रोल होगा। उसके बाद हमने देखा कि विवेक देबराय कमेटी की क्या रिकमेंडेशंस थे, तो ये आपको फैक्ट को ध्यान रखना है। अगले न्यूज़ पर चलते हैं, ये इकोनॉमी पेज वाले, सॉरी वर्ल्ड वाले पेज से लिया गया है ये न्यूज़। नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से ये कहा है, नेपाल की सरकार से कहा है कि आप हिस्टोरिकल मैप को रिलीज़ कीजिए, काला पानी इशू चल रहा है भारत और नेपाल के बीच में अभी। क्यों? भारत के द्वारा जो नया पॉलिटिकल मैप रिलीज़ किया गया है नवंबर में, उसको लेकर के नेपाल की असहमति है। क्यों असहमति है? क्योंकि नेपाल का ये क्लेम है कि सरकार ने जो जम्मू एंड कश्मीर के हिस्से में लिमपियांग धुरा, इसके बाद लिपुलेक और काला पानी एरिया को अपने मैप में डिस्क्राइब किया है, वो काठमांडू के अंतर्गत आता है, इंडिया के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये इशू अभी चल रहा है इंडिया नेपाल के बीच में और इसीलिए आपके प्रिलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो वहाँ की सरकार, वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप पब्लिश कीजिए, जो हाँ कौन सा मैप उन्होंने कहा है पब्लिश करने के लिए, जब सागौली ट्रीटी हुई थी। अब प्रिलिम्स के लिए ये याद रखिएगा, सागौली ट्रीटी किसके किसके बीच में हुई थी? नेपालीज एंग्लो वॉर हुआ था, ठीक है, एंग्लो नेपालीज वॉर ज़रूर याद रखिएगा। इसके बाद सागौली ट्रीटी की गई थी 1816 में, कब हुई थी? 1816 में एंग्लो नेपालीज वॉर, इसी में जो टेरिटरी है उसको डिफाइन किया गया था, नेपाल नेपालीज टेरिटरीज इंक्लूडिंग दार्जिलिंग वर हैंडेड टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो दार्जिलिंग वगैरह का जो हिस्सा है कुमाऊं गढ़वाल वाले रीजन से, उसको इंडिया, मतलब उस समय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको दिया गया था और आज वो भी वो इंडिया में है। तो 1816 में हुआ था सागौली ट्रीटी, जिसको आपको याद रखना है, और काला पानी का ये सारा इशू भी। अगला न्यूज़ है टाटा सन्स से जुड़ा हुआ, हमने इस न्यूज़ देखा था कि NCLAT
एनसीएलएटी नेशनल कंपनी लॉ एपिलिएट ट्रिब्यूनल, जहां पर केस एनसीएलटी के बाद आता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के जजमेंट के बाद असहमति से फिर यहां पर आप अप्रोच कर सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, टाटा सन्स के अगेंस्ट में जजमेंट आया था और मिस्त्री के फेवर में आया था। तो उसमें ये कहा गया था कि जो मिस्त्री को गलत तरीके से हटाया गया उनके चेयरमैन पद से, और जो रेस्ट ऑफ द टाइम उनका टेन्योर बचा था उसमें उनको फिर से रिस्टोर कर दिया जाए उनके चेयरमैन के पद पर। इसी जजमेंट को लेकर के टाटा सन्स ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या आगे जजमेंट आता है, तो वो अभी पेंडिंग होगा, उस पर आगे और न्यूज़ आएंगी। लेकिन ये इश्यू आपको क्लियर होना चाहिए कि कैसे कोई भी कंपनी जो होती है वो पहले एनसीएलटी के पास पहुंचती है अपने किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के, उसके बाद एनसीएलएटी के पास जाते हैं, और फिर यहाँ से जो टाइमलाइन दिया जाता है उसके अंतर्गत आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना होता है। डायरेक्ट एनसीएलटी से आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर पर्सनल गाइडेंस के प्रोग्राम और फुल कोर्स में एक अच्छा ऑफ़र है, डिस्काउंट ऑफ़र है। अप्रोच करें, न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के वजह से ये दिया गया है, तो कुछ ही समय के लिए है। जो भी आना चाहें ऑनलाइन ऑफलाइन में वो ज़रूर अप्रोच करें गिवन कॉन्टैक्ट नंबर पर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, या फिर जो आप देख रहे हैं अभी एक इस लाइन को उसमें भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल रहा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, कीप स्टारिंग।